शान बिल्कुल लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विदेश से वापस दिल्ली लौट आए हैं। संसद सत्र की शुरुआत से पहले ही दोनों नेता विदेश रवाना हुए थे। सोनिया गांधी के सालाना मेडिकल चेकअप के लिए यह यात्रा हुई थी, जिसमें राहुल भी उनके साथ रहे। दोनों नेताओं ने विदेश जाने से पहले कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी की थी, साथ ही लोकसभा को इस बारे में सूचित भी कर दिया था। अब करीब 10 दिनों के बाद दोनों नेताओं की वापसी हुई है। आपको बता दें कि दोनों नेताओं की वापसी ऐसे वक्त में हुई है जब पिछले 10 दिनों में काफी कुछ बदल गया है। बीते दिन 8 सांसदों के सस्पेंशन के बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने संसद के बहिष्कार का ऐलान किया और कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने पूरे मानसून सत्र के लिए लोकसभा और राज्यसभा के बहिष्कार की बात कही है। ऐसे में अब जब राहुल सोनिया लौटे हैं तो इस पर क्या फैसला होता है, उस पर नजर रहेगी। केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस का चौतरफा विरोध जारी है। अब 24 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता रखी गई है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस 28 सितंबर को पीसीसी से राजभवन तक पैदल मार्च भी करेगी। हालांकि धारा 144 के मद्देनजर कार्यक्रम में बदलाव भी किया जा सकता है। पैदल मार्च के बाद राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं 2 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस किसान मजदूर दिवस मनाएगी और 2 अक्टूबर को ही विधानसभा क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों पर कृषि विधेयकों के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी किए जाएंगे। वहीं 10 अक्टूबर को जयपुर सहित अन्य जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस किसान सम्मेलन आयोजित करेगी।